नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं इंडियन होम डीआईवाई। आज आप मेरे साथ में छोटा सा पौधा देख रहे हैं। ये आपका घर का वैद्य, डॉक्टर, सलाहकार सब कुछ है। इस पौधे में इतने गुण हैं कि इसका नियमित सेवन आप करते हैं तो आप यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी, अच्छा वो होती ही क्या है। जैसे आपके शरीर के बहुत सारे अंगों और हिस्सों की देखभाल ही छोटा सा पौधा कर लेता है। पहले इस पौधे के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। हमारे घरों में प्रेगनेंसी के बाद अजवाइन के लड्डू दिए जाते हैं और ये अजवाइन का पौधा है। अजवाइन के बीजों की तासीर गर्म होती है तो सभी लोग उसको नहीं खा पाते हैं। साथ ही अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो अजवाइन की फांकी दी जाती है, यानी अजवाइन का चूर्ण दिया जाता है। अर्थराइटिस की समस्या हो तो अजवाइन का तेल लगाया जाता है। अगर सर में दर्द है तो अजवाइन के तेल की मालिश होती है। बच्चों को अजवाइन के तेल की मालिश जो उनकी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। पर हम जब अपने आप में इतने बिजी हो गए हैं, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, घी के लड्डू खाना या उस तरह से परहेज करना अगर संभव नहीं है, और कोई भी मर स्पेशली अगर आप 20 साल से ऊपर हो गए हैं और फिर आपको लगता है कुछ मैं रोज़ ऐसे कर लूँ कि जिससे मेरी एजिंग प्रोसेस रिड्यूस हो जाए, यानी मेरे जो बोन्स हैं, मांसपेशियां हैं या जो मेरे ऑर्गन्स हैं वो हमेशा हेल्दी रहें, तो ये पौधा परफेक्टली आपके लिए है। छोटे से गमले में लग जाता है, जब इस पर अजवाइन के फूल आ जाते हैं, बीज आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको इसको पुनः लगाना पड़ता है। यानी इसकी उम्र उतनी लंबी नहीं रहती जैसे बाकी पौधों की रहती है। बेहद जूसी होता है, तो इसके तने को आप अगर मसलेंगे तो बेहद रस निकलता है, यानी हर हिस्सा इसका काम का, इनफैक्ट इसकी जड़ें भी काम की हैं। जब आप इस औषधि को स्टार्ट करें तो आप ये देख लें कि कम से कम आपके पास में 200 पत्तों जितने पत्ते उस पौधे पे लगे हों, क्योंकि नहीं तो फिर ये तेज़ी से ख़त्म होंगे और उतनी तेज़ी से इनकी ग्रोथ नहीं होती है। फ्लावर पॉट की जैसे किसी पॉट में लगा दें जिसमें आधी धूप आधी छाए, वहाँ पे इसे रख दें। जो पीले पत्ते इस तरह के हो जाएं ये काम में मत लीजिएगा, क्योंकि इनमें बहुत कम गुण रह पाते हैं। हाँ, आप फेंके नहीं, खा सकते हैं। जैसे चटनी बना लिया आपने, पुदीने के बजाय इसको डाल दिया, बेहद अच्छी चटनी बनती है। स्वाद कुछ कुछ इसका खट्टा और मीठा है, कड़वा नहीं होता। मतलब आप इसे ऐसे भी खाएंगे तो आपको लगेगा नहीं अच्छा है, मैं इसे खा सकता हूँ। तो अगर मुंह की बदबू है तो आप इसे ऐसे ज़रूर खाइए। इसके अलावा आप देखते हैं क्या क्या काम करता है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है जिसमें डाइजेस्टिव हम बात करें तो पेप्टिक अल्सर, गैस, ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, इंटेस्टाइन, स्टमक, खाना खाने के बाद लगता है अफारा आ गया, पेट में गोले का दर्द उठा, बहुत बार लोग कहते हैं नसें खींच रही हैं, अतड़ियाँ खींच रही हैं, कमाल की औषधि, आप ट्राई कीजिए। इसके अलावा अगर किसी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई है तो 3-4 पत्तों का रस निकालें, 1 कप पानी में डालें, थोड़ा सा गर्म पानी डालें और पी जाइए, बैक्टीरिया फंगस को दूर करता है। अगर आपको लगता है कि आपके हाई ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है तो आप दवाई चालू रखें, पर इसके एक पत्ती लें, कैल्शियम बैरियर का काम करते हैं, कैल्शियम को ब्लॉक करता है। इसके साथ में अगर आपको लगता है कि मुंह में से बदबू है, दांतों में दर्द है, मसूड़ों की समस्या है, मुंह पे छालें हैं, गले में छालें, ट्राई कीजिए, बेहद शानदार औषधि। अर्थराइटिस में तो इसकी औषधि का कोई मुकाबला ही नहीं। पेन रिलीफ बहुत अच्छा है, मांसपेशियां खींच गई बहुत अच्छी है, हड्डियों में किसी वजह से दर्द है, शानदार औषधि का काम करती है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि इसमें और क्या क्या है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और फैटी एसिड है, यानी बेहतरीन सोर्स है न्यूट्रिशंस का। अगर आपको बार बार इन्फेक्शन है तो अस्थमा, एलर्जी, इनमें शानदार काम करती है। कोल्ड कफ के लिए बेहद अच्छी है। कौन ले सकता है? 5 साल से ऊपर आप किसी को भी दे सकते हैं, पर नियमित मात्रा में। 20 साल से ऊपर होंगे, 1-1 पत्ती सुबह शाम लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे पहले लें या खाना खाने के फौरन बाद ले लें। और फिर ये जो अभी हमने बीमारियां डिस्कस करी, इनको दूर होते हुए आसानी से देखिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा, सुंदर लगे, स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूंगी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।